40 रुपया 40-80 रुपया दे दीजिए नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। इस नए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग की। हम लोग अभी निकल रहे हैं मार्केट की तरफ। कल है नवरात्रि का पहला दिन, तो उसके पूजा के लिए हम लोग जितना भी सामान खरीद सकते हैं, उस पूजा का सामान खरीदना है तो वो खरीदेंगे जाकर। और इस बीच जिया को याद आया कि इसका एक और सूट का कपड़ा है उसको फिटिंग कराना है। टाइम ही नहीं मिल पाया, कल परसों सफाई किए, कल सफाई किए और आज दिन में सफाई किए, फिर भी कम लग रहा है। हाँ, जिया को अपना सूट भी देना है, साथ साथ हम लोग का शॉपिंग भी होगा। आज जो है निकलने में भी काफी लेट हो गया है, लगभग 6:30 के करीब बज चुका है और यहाँ मार्केट जो है 8:30-8 बजे तक ही खुला रहता है। इसी 2 घंटे में झटपट झटपट करके जितना शॉपिंग कर सकते हैं हम लोग को करना है। तो जिया फिर यहाँ पर पहुँच चुकी है खतरों से खेलने, खतरों से खेल कर अपना कपड़ा फिटिंग करवाने के लिए। ठीक से चलना, लेकिन इस बार जो है सूखा हुआ कीचड़ है, इस बार कम मेकअप होगा। A few moments later. इसको थोड़ा देख लीजिए, जरूरी नहीं रहता तो हम तार देंगे, बोल चुके हैं। हो गया तुम्हारा काम? नहीं आता तो होता है। तो थैंक यू कहो मोलू को जो तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू अपनों से थोड़े कहा जाता है। तो जी हमारे साली साहब के साथ क्या हुआ है, जिस रिलायंस ट्रेंड में हम लोग गए थे सामान खरीदने के लिए, आज उसी रिलायंस ट्रेंड में गए थे हमारे साली साहब खरीदने के लिए। भी कोशिश किया, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, भी पूरा कोशिश किया, जा करके बोले कि साइकिल था, कोई बाइक वगैरह नहीं था। साधारण साइकिल से कोई ध्यान नहीं देगा, बोले साइकिल है क्या, साइकिल से आया है तो स्टूडेंट वगैरह होगा तो उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन वो लोग ध्यान दिया, बोले एक बार जा करके वो जो गेट पे रहता है। अच्छा, फोन किया, बोला कि एक स्टूडेंट है, उसको जाकर के बोले भैया देखिए न्यू साइकिल लिए थे, ज्यादा दिन हुआ नहीं था। तो वो बोला कि ठीक है हम दिखवाते हैं। तो जाकर सीसीटीवी में चेक किया, सीसीटीवी में जाकर के देखे, मेरा आज तो किस्मत ही खराब था। इधर दिखा रहा है, हल्का सा इधर करके लगाते ना सीसीटीवी कैमरा में आ जाता है। दो सही लगे ले लो ना। अच्छा है, क्या बात, साढ़े 5 भैया बोलते भाई, इसका ले लो 25। हो गई खरीदारी? हाँ, हो गया, या और भी बाकी है? हो गया बाप, पसीना में ना हालत था। तो नहीं थी कोई, या इतना भीड़ है कैसे सुनेगा वो, और आज ही के दिन तो बिक्री है। चलो अभी बहुत भारी हो गया। तो दोनों तुम क्यों पकड़ी है? 40 रुपया 40-80 रुपया दीजिए।
कोई भी सामान लगे यहाँ भी खरीदारी होनी थी वो हमने कर लिया और अब यहाँ से हम लोग घर चलते हैं। मंदिर चलेंगे। मंदिर भी चलना है तो आज हम लोग दुर्गा मंदिर भी हो आते हैं। हम आए हुए थे दुर्गा मंदिर और यहाँ पर माता के दर्शन कर लिए और इस बार लग नहीं रहा कि कुछ पूजा सब होने वाला है। थोड़ा सा पंडाल लगा हुआ है नहीं तो यहाँ पर अच्छा खासा मेला लगता है। तो यहाँ पर पूछा भी कि यहाँ पर कहीं पूजा सब हो रहा है तो सभी बता रहे हैं कि इस बार नहीं होने वाला है कुछ कोरोना के माहौल में। नहीं तो सोचा था आपको कटिहार का दुर्गा पूजा दिखाएंगे और अच्छा खासा स्तर पर यहाँ पर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, नेक्स्ट ईयर सब कुछ फिर से वैसा हो जाए जैसा पहले था। बिल्कुल जी, तो आप माता के दर्शन कर लिए तो चलते हैं। A few moments later. जी अभी हम आए हुए हैं कटिहार के आनंद कुंज क्योंकि कल नवरात्रि है, कल से लहसुन प्याज हम लोग कुछ खा नहीं पाएंगे तो सोचा नवरात्रि से पहले कुछ अच्छा खा लिया जाए। जी हमारी हो गई पेट पूजा, कल से अब हम लोग सिंधा नमक में खाना खाएंगे और बिना प्याज और लहसुन का, और कल से जो भी पूजा की विधि होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे।